हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बता दूं कि शॉर्ट्स के शूटिंग के लिए मैं आ गई हूं एसके पुरी पार्क, बोरिंग रोड, पटना। और चलिए आज हम दिखाते हैं कि आज हम यहां क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पार्क में जाने के लिए सबसे पहले मैंने टिकट लिया और इस टिकट का प्राइस ₹20 है, मतलब ₹20 का एक टिकट है और मैंने दो टिकट लिया है। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये टिकट गार्ड अंकल देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा कट करके आपको दे देंगे। और ये टिकट आपको संभाल के रखना है ताकि जब दोबारा से वो चेक करने आए तो आप दिखा सके। तो दोस्तों, इस पार्क में आते ही मैंने अपना फोन निकाला और मैं ब्लॉग शूट करने लगी। तो दोस्तों, आज मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि इस पार्क में मैंने क्या क्या किया है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और भर भर के कर रही हूँ और शॉर्ट्स भी बना रही हूँ। और मेरा शॉर्ट्स लगभग कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो चलिए शॉर्ट्स कम्प्लीट करते हैं और चलिए हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, पीछे बैकग्राउंड में बच्चे लोग खेल रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं झूला का। उस झूले पे मैं भी शूट करने वाली हूँ और ये भी आपके सामने, शॉर्ट्स आपके सामने जरूर आएगा। और ये देखिए, यहीं पे मैंने कुछ कुछ सॉन्ग्स की शूटिंग की है। जो यहाँ पे लंबा लंबा वृक्ष है तो यहीं पर मैंने कुछ शूटिंग किए हैं। और चलिए बाकी और भी शूटिंग करते हैं, तब तक जुड़े रहिए आप हमसे, आगे और भी जारी रहेगा। और दोस्तों, बात करूं मैं इस पार्क की, तो इस पार्क में ढेर सारा झूला है जो कि बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत सारे बच्चे आकर के यहाँ पे झूला झूलते हैं। अगर आप लोग के पास भी बच्चे हैं तो आप लोग बच्चे लेकर के इस पार्क में जरूर आए और इस पार्क का आनंद लें। और साथ ही साथ इस पार्क में जिम वगैरह भी है, जो कि लड़के आते हैं या फिर लड़कियाँ आती है तो वो भी जिम करती है। तो ये पार्क बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों सुनिए जरा, ये मैडम जी अब क्या बोलने वाली है। और लेट हो रहा है तो चलिए थोड़ा सा स्वस्थ बना लेते हैं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी 6 बजने वाली है और शाम की टाइम है तो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम जाकर के पहले अपना स्वस्थ जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, एक शॉर्ट्स मैं पोस्ट कर चुकी थी जिसमें गाना था कि सावन की झूलों ने मुझको बुलाया, उसमें यही बच्ची थी और मैं इसे झूला झूला रही थी। साथ में इसकी मामा थी, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस शॉर्ट्स पर बहुत सारे व्यूज है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे और भी सीन हम आपको दिखाते हैं। सॉरी, शॉर्ट्स सूटती हूँ। इंस्टा पे रील्स बनाते बनाते मैं भूल ही गई हूँ कि शॉर्ट्स में और रील्स में क्या अंतर होता है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि आगे मैं क्या शॉर्ट्स कंप्लीट करने वाली हूँ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज, यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है और फाइनली वहाँ एक झरना दिख रहा है। तो मुझे झरने को देख के थोड़ा बहुत मन कर रहा है कि मैं वहाँ पे भी जाकर कुछ शॉर्ट्स कंप्लीट करूँ। तो गाइज चलिए उस झरना के पास चलते हैं और वहाँ पे भी मैं कुछ शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ और फिर शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसे पोस्ट करूँगी और आप लोग देखिएगा और उस पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल वहाँ चलते हैं, सीन तो बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, जैसे ही मैं इस झूला को देखी ना, मेरा भी मन किया कि मैं भी बच्चों की तरह इस पे बैठ के झूला झूल सकूं, आसमान में जाऊं, फिर धरती पर आऊं। लेकिन मुझे अपना वेट का ख्याल रखते हुए याद आया कि ये झूला बच्चों का है और मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। फिर मैं वहाँ से हट गई और इस झरने की तरफ चली आई। यहाँ का सीन वाव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और चलिए इस सीन को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लॉग के लिए तैयार कर लेते हैं क्लिप और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट्स भी बनाते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मुझे गाना भी याद आ गया कि कौन सा गाना पे शॉर्ट्स की शूटिंग करनी है। तो अब मैं जा रही हूँ और जल्दी से शॉर्ट्स की शूटिंग कर लेती हूँ, वरना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले रील शूट करते हैं, सॉरी शॉर्ट्स शूट करते हैं, उसके बाद और भी ब्लॉग का मतलब और भी हम इसके आगे ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस फाइनली मैं यहाँ पे झरने के पास अपना शॉर्ट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं आगे जा रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या करने वाली हूँ। फिर मैं आई पार्क के इस जगह पे जहाँ पे पक्षी जगत के रोचक तथ्य इस नाम से एक बैनर बना हुआ था और यहाँ पे पक्षी के बारे में कुछ बताया गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बताया गया है। यहाँ बोला गया है कि पक्षियों में सर्वाधिक छोटा उड़नशील पक्षी कीवी है। अब ये जो भी लिखा है आप लोग देख लो, पढ़ लीजिए और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे
आज के टाइम में ना पक्षी का बहुत ज्यादा कमी हो गया है। एक पहले का समय हुआ करता था जब गांव से लेकर शहर तक पक्षी ही पक्षी होते थे, लेकिन आज के टाइम पे इतने प्रदूषण के कारण सारे पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ख्याल रखिएगा। और फाइनली मैं अपना बहुत सारा सोर्स बना चुकी हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों जिस दिन मेरी सोर्स बनती है ना मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, और नहीं बन पाता है तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने काम में ढील कर दी है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इंसान का चाहे जो भी काम हो उसे अपना काम मन लगाकर ही करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसी पार्क के अंदर आए हैं, यहाँ पे एक सुधा कॉर्नर है, तो यहाँ से हम कुछ खाने पीने का सामान लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉर्ट्स की शूटिंग के बाद बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है। तो मैंने यहाँ से एक सुधा का लस्सी लिया और पेड़ा लिया, साथ ही साथ हम और भी कुछ लेंगे क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों फायदे के लिए हम सुधा का छाछ ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है और छाछ जो होती है हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। लस्सी से तो मुझे बेटर यही लगता है और मुझे टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने इसे ले लिया है, भैया को मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ पेटीएम से। इसके बाद मैं चलती हूँ और कहीं पे बैठ के इसे आराम से पिया जाएगा, खाया जाएगा। और ये सुधा का काउंटर अंदर में ही था, ये काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे पार्क में नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे पार्क में तो बहुत सारा काउंटर रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि लोग टिकट लेके दोबारा से अगर वापस गए तो वो वापस आ नहीं सकते हैं। तो अच्छी बात है मैंने यहाँ से निकाला। और देखिए मैं छाछ पिए जा रही हूँ और वो लड़की बगल में बैठ के मुझे देख रही थी, बहुत देर से देख रही थी। बगल में एक और बैठी थी, उसने मुझसे थोड़ा थोड़ा बात भी किया और मैं उसके सवाल का जवाब दे रही थी। और देखिए मैं छाछ पिए जा रही हूँ और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो गया, इसे अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना छोटा डब्बा है ना इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और ये वो जो मक्खन होता है ना उसी का जो पानी वगैरह होता है उसी से छाछ बनता है, ये बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब डब्बा फेंक देते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि इस पार्क में जिम के लिए भी व्यवस्था किया गया है। पहले तो मैं बहुत सारा देखती थी कि बहुत सारे मशीन थे, लेकिन अब पता नहीं वो मशीन सब कहाँ गए, मुझे मिला नहीं उतना। लेकिन आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे बहुत सारा मशीन हुआ करता था और लड़के हो या लड़कियाँ, अंकल हो या आंटी, सब यहाँ पे जिम के लिए आते थे। और फिलहाल मैं यहाँ पे 2 से 3 ही कुछ देख पाई हूँ। तो देखिए वो लड़का वहाँ पे जिम के लिए ही आया हुआ था और वो जिम भी किया। तो दोस्तों चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 7 या 7:30 बजे शाम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग से बता दूँ कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि बोरिंग रोड से मुझे गांधी मैदान जाना है और गांधी मैदान के भी अंदर जाना है, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी इस वक्त में, ट्रैफिक होगा और मैं स्कूटी से हूँ तो मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो चलिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो दोस्तों जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे से रहो और अपना ख्याल रखिए और साथ ही वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।